विधानसभा बछवारा। बिहार का बछवारा विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। 1951 में बछवारा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में बछवारा में कांग्रेसी कैंडिडेट मिथुन चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट बैद्यनाथ प्रसाद सिंह ने 1957 में बछवारा के चुनाव में जीत हासिल की थी। 1962 में बछवारा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने गिरीश कुमारी सिंह ने चुनाव में जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1967 में बछवारा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट वीपी सिंह ने ही जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1972, 1977 और 1980 के कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने लगातार 3 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। 1985 में सीपीआई में अयोध्या प्रसाद सिंह ने बछवारा में जीत हासिल की। 1990 और 1995 में सीपीआई कैंडिडेट अवधेश राय बछवारा में जीत हासिल की। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट उत्तम कुमार यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट रामदेव राय ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट अवधेश राय ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2015 के चुनाव में बछवारा से कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने जीत हासिल की थी। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बछवारा सीट से कांग्रेस के टिकट पर रामदेव राय ने जीत हासिल की। रामदेव राय ने चुनाव में 73,983 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह को 37,052 वोट मिल पाया था। इस तरह से रामदेव राय ने अरविंद कुमार सिंह को 36,931 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अवधेश कुमार राय 28,539 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बछवारा सीट से सीपीआई के टिकट पर अवधेश कुमार राय ने जीत हासिल की थी। अवधेश कुमार राय ने चुनाव में 33,770 वोट हासिल किया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह ने 21,683 वोट हासिल किया था। इस तरह से अवधेश कुमार राय ने अरविंद कुमार सिंह को 12,087 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मीना देवी 19,301 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में बछवारा सीट से कांग्रेस के टिकट पर रामदेव राय ने जीत हासिल की थी। रामदेव राय ने चुनाव में 36,807 वोट हासिल किया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अवधेश कुमार राय को 33,789 वोट मिल पाया था। इस तरह से रामदेव राय ने अवधेश कुमार राय को महज 3,018 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अरविंद सिंह 17,286 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब 10 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि किस उम्मीदवार की नैया पार लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।